हरियाणा के 3 निर्दलीय विधायकों ने नए सिरे से भाजपा सरकार से समर्थन वापसी के पत्र राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय और विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता को भेज दिए हैं। पुंडरी से विधायक रणधीर सिंह गोलन, चरखी दादरी से विधायक सोमवीर सिंह सांगवान और नीलोखेड़ी से विधायक धर्मपाल कुंदर ने अपनी अपनी ईमेल आईडी से पत्र भेजे हैं। हालांकि दो विधायकों के पत्र पर तारीख अंकित नहीं होने के चलते अब एक और पेंच फंस सकता है। बीते 7 मई को तीनों विधायकों ने रोहतक में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके भाजपा सरकार से समर्थन वापसी का ऐलान किया था। साथ ही उन्होंने कांग्रेस को समर्थन देने की घोषणा भी की थी। इसके चलते नायब सैनी सरकार अल्पमत में आ गई। कांग्रेस विधायकों की ओर से राज्यपाल को लिखे पत्र में दावा किया गया कि प्रदेश सरकार अल्पमत में है, ऐसे में सरकार को भंग करके राष्ट्रपति शासन लगाया जाए और विधानसभा के चुनाव करवाए जाएं। जजपा और इनेलो ने भी सरकार गिराने के लिए कांग्रेस का साथ देने की बात कही थी और राज्यपाल को पत्र लिखा था। हालांकि राजभवन ने 3 निर्दलीय विधायकों के समर्थन वापसी के पत्र किसी अन्य ईमेल आईडी से भेजे जाने के चलते उनको खारिज कर दिया था। इसी के चलते बुधवार को तीनों विधायकों ने अपने आधिकारिक ईमेल आईडी से राजभवन और विधानसभा सचिवालय को समर्थन वापसी के पत्र भेजे हैं। दूसरी तरफ राज्यपाल के बुधवार देर रात तक राजभवन पहुंचने की उम्मीद है। कांग्रेस विधायक राज्यपाल से मिलने का समय मांग चुके हैं और ज्ञापन भी दे चुके हैं। अब राज्यपाल के रुख पर निर्भर करेगा कि वो इस पर क्या फैसला लेते हैं। कांग्रेस विधायक दल के उपनेता आफताब अहमद का कहना है कि वो इस संबंध में राज्यपाल से मिलेंगे। उनके आने के बाद कार्यालय में संपर्क किया जाएगा। इस संबंध में स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता ने कहा कि रणधीर सिंह गोलन व धर्मपाल सिंह गोंदर के पत्र आए हैं। बता दें कि इस पत्र पर तारीख नहीं डाली है, इसलिए विधानसभा ने इस पर अभी कोई फैसला नहीं लिया। हालांकि गोलन ने दावा किया कि उन्होंने अपने पत्र पर हाथ से बुधवार की तारीख यानी 15 मई लिखी है। विधानसभा अब इस मामले में कानूनी रायशुमारी ले रही है। 90 सदस्य विधानसभा में फिलहाल 2 सीटें खाली हैं। शक्ति परीक्षण की नौबत आती है तो सरकार को बहुमत हासिल करने के लिए 88 विधायकों में 45 का समर्थन चाहिए। भाजपा के पास 40 और कांग्रेस के पास 30 विधायक हैं। जजपा के पास 10 तो इनेलो के पास 1 विधायक है, 6 निर्दलीय विधायक हैं और हरियाणा लोकहित पार्टी के पास 1 सीट है। भाजपा के पास वर्तमान में 2 निर्दलीय विधायकों के साथ साथ हलोपा के विधायक का समर्थन है। इस तरह भाजपा के पास कुल 43 सीटें हैं, यानी बहुमत से 2 कम। 3 निर्दलियों के समर्थन से कांग्रेस के पास 33 विधायक हैं, यानी बहुमत से 12 कम। वीडियो डेस्क amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।